आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेज का कनेक्शन कैसे करें और डीबी का ड्रेसिंग कैसे किया जाता है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम यहाँ पे फोर पोल का एमसीबी लगाएंगे, उसके बाद सिंगल पोल का एमसीबी लगाएंगे और हमारे पास सिंगल पोल का 12 एमसीबी है जिसे हम चार चार करके तीन भाग में बांट देंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ही कलर का वायर है, इसलिए हम इसे पहले टेस्ट करेंगे कि हमारा कौन सा वायर स्विच बोर्ड में गया हुआ है। चलिए फिर, मैं पहला स्विच बोर्ड में आ गया हूँ और यहाँ पे वायर को सबसे पहले छील लेंगे। छीलने के बाद एक दूसरे से जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। टेस्टिंग लैंप के मदद से और जानेंगे कि हमारा कौन सा वायर पहला स्विच बोर्ड में गया हुआ है। ये दोनों वायर को मैंने चेक किया, ये वाली नहीं है। अब मैं दूसरा वायर लूँगा, दूसरे वायर को चेक करूँगा। अब देखिए ये हमें मिल चुका है। इसी तरह करके हमें सारे वायर को चेक कर लेना है, उसके बाद हम वायर को अच्छे से सरिया लेंगे और उसे टाई से बांध करके उसे बिल्कुल ड्रेस कर लेंगे अच्छे से। और अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कनेक्शन करना। ये जो हमारी लाल वाली वायर है, ये लाल वाली वायर हमारी न्यूट्रल है।
और ब्लैक वाली फेस है। और हमेशा ध्यान रखना है कि राइट हैंड में हमें सभी फेस को रखना है और लेफ्ट हैंड में न्यूट्रल को रखना है। इसलिए मैंने देखिए जो न्यूट्रल की वायर है उसे मैंने लेफ्ट के साइड में रखा है और बाकी फेस की वायर जो है वो राइट हैंड में डाल रहा हूँ। एक एक करके हम ये तीनों को डाल देंगे। ये जो हमारा चार वायर है ये चारों मेन इनकमिंग वायर है। और एक बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि कभी भी जो मेन इनकमिंग होती है उसे हम एमसीबी के नीचे के साइड में डालेंगे। वैसे ऊपर से भी डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि हम नीचे से डालें। ऊपर से डालना सही नहीं होता है, हमेशा कभी भी इनपुट नीचे के साइड होती है और ऊपर के साइड आउटपुट होती है। और ये देखिए ये जो हमारा वायर है जिसे मैं पहले ड्रेस किया था ये सारे सर्किट है। हर एक स्विच बोर्ड का सर्किट यहाँ पे आया हुआ है। और राइट हैंड साइड में जो है वो हमारा अर्थ बार है, इसलिए हम सबसे पहले अर्थ को जोड़ रहे हैं।
क्योंकि ये हमारे पास एक ही वायर है इसलिए। अब हम इसकी टर्मिनेशन करेंगे। सबसे पहले सारा न्यूट्रल को न्यूट्रल बार में जोड़ लेंगे। ये ऊपर के साइड में जो है वही हमारा न्यूट्रल बार है। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। और कुछ बातें हैं जो वीडियो के एंड में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। और दिए गए इंड स्क्रीन पे आगे की वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ये अभी आधा कंप्लीट हुआ है, बाकी का दिए गए इंड स्क्रीन की वीडियो को प्ले करके देखें।